कल रात आपने अपने दोस्त के साथ डिनर करा और आपका बिल आया 800 का। अब आपको उसे हाफ करके 400 भेजने हैं। किसी तरीके से आपने भेज भी दिए, पर अब आपके सारे दोस्तों को सोशल मीडिया पे दिख रहा है कि आपने अपने किसी राहुल नाम के दोस्त को कल रात के डिनर के पैसे भेजे हैं। और ऐसे ही आपको बाकी लोगों की करी हुई पेमेंट्स भी दिख रही हैं। अजीब नहीं लगेगा? अब देखो, यूएस में तो ऐसा ही होता है, लेकिन इंडिया में हम ऐसी प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करते क्योंकि हमारे पास यूपीआई है। और आज हम इसी यूपीआई टेक्नोलॉजी को स्टेप बाय स्टेप डीकोड करके देखेंगे कि जब आप अपने दोस्त को पैसे भेजते हो तो आखिर पीछे क्या चल रहा होता है और ये पैसे इतनी तेज जाते कैसे हैं? और बाकी कंट्रीज में आखिर यूपीआई की जरूरत क्या है जब उनके पास पहले ही इतने अच्छे पेमेंट सिस्टम्स बने हुए हैं। तो देखो, हर यूपीआई ट्रांजैक्शन के पीछे चार चीजें एक साथ मिलके काम करती हैं। पहली होगी हमारी पेमेंट एप्स, गूगल पे, फोन पे एटसेट्रा। सेकेंड होता है हमारा पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर, पीएसपी। फिर आते हैं बैंक्स, और उसके बाद आता है एनपीसीआई, जिन्होंने यूपीआई को बनाया है। अब हमें यूपीआई एप्स के बारे में अच्छे से पता है कि गूगल पे, फोन पे क्या होती है, तो इन पे टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधा आते हैं पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर यानी कि पीएसपी क्या होता है। तो पीएसपी होते हैं जो आपको बैंक और यूपीआई से जोड़ते हैं। अल्टीमेटली यूपीआई एप्स की जान होती है एक पीएसपी, एक तरह का सर्वर जहां आपकी बैंकिंग डिटेल स्टोर होती है जब आप यूपीआई के लिए रजिस्टर करते हो। और इसके बाद आते हैं बैंक्स, ये हमें बहुत अच्छे से पता है कि क्या होते हैं। इतना समझ आने के बाद अब हम समझते हैं कि मैकेनिज्म क्या होता है, कि एक ट्रांजैक्शन का फ्लो कैसा होता है। तो समझ लो, आपने जोमेटो से खाना ऑर्डर करना है। अब पेमेंट के लिए आप गूगल पे सिलेक्ट कर लेते हो। अब जैसे ही आपने गूगल पे सिलेक्ट करा, आपकी गूगल पे की ऐप खुल जाती है और वो आपसे एक पासकोड मांगती है। फिर पासकोड देने के बाद आपके सामने एक पेमेंट विंडो खुलती है। अब पहले इतना प्रोसेस समझते हैं कि यहां तक क्या हुआ है। स्टेप वन, सबसे पहले आपको यहां पे दिख रहा है जोमेटो ऑर्डर एट द रेट पेटीएम। तो ये है जोमेटो का वर्चुअल एड्रेस जिसके साथ उनकी बैंक डिटेल्स अटैच्ड हैं। और इस वर्चुअल एड्रेस को जनरली हम यूपीआई आईडी भी बोलते हैं। इस यूपीआई आईडी के साथ साथ आपको यहाँ पे अमाउंट और पेमेंट ऑप्शंस भी दिखा रहा है। स्टेप टू, अब हमारी बैंक अकाउंट की डिटेल्स, ट्रांजैक्शन की अमाउंट और ये जोमेटो का वर्चुअल एड्रेस जाता है यूपीआई के पास। और उनका सिस्टम वहां पे अब दो चीजें करता है। सबसे पहले तो वो जाता है जोमेटो के पीएसपी के पास, यानी कि इस केस में पेटीएम के पास, और वो उनसे कहता है कि भाई इस एड्रेस के साथ जो बैंक डिटेल्स तेरे पास पड़ी है वो निकाल के देना जरा। इससे यूपीआई को पता चलता है कि पैसे क्रेडिट किसके अकाउंट में करने हैं। ध्यान रहे, अभी तक कुछ भी क्रेडिट या डेबिट नहीं हुआ है, अभी तक सिर्फ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो रही है। अब हम क्लिक करेंगे पे के ऊपर और वो हमसे बोलेगा कि यूपीआई पिन डालो। अब आता है स्टेप थ्री। स्टेप वन में जो हमने यूपीआई को अपनी ट्रांजैक्शन अमाउंट और बैंकिंग डिटेल्स दी थी, अब वो उसे लेके जाता है आपके बैंक के पास, मेरे केस में एचडीएफसी के पास, और उस बैंक को वो इंस्ट्रक्शन देता है कि इस बंदे के अकाउंट से इतने पैसे काट लो। और बैंक फिर यूपीआई को वापस रिस्पॉन्ड करता है कि ठीक है जी, काट लिए। स्टेप फोर, अब यूपीआई मर्चेंट के बैंक यानी कि जोमेटो के बैंक को कहता है कि एचडीएफसी की तरफ से आपको इतने पैसे भेजे जा रहे हैं और आप वो पैसे उस जोमेटो के अकाउंट में डाल दो। तो बैंक बोलेगा ठीक है जी, डाल दिए। स्टेप फाइव, अब यूपीआई हमारे पीएसपी के पास आके कहता है कि ओ भाई साहब, पेमेंट हो गई है, दोनों तरफ से कंफर्मेशन आ गया है। स्टेप सिक्स, इसके बाद गूगल पे हमें एक टिक मार्क दिखाता है और वो हमें जोमेटो की ऐप पे रिडायरेक्ट करता है और वहां हमारे पास नोटिफिकेशन आती है कि ऑर्डर आपका सक्सेसफुल हो गया है। अब इस सारे ट्रांजेक्शन फ्लो के अंदर मैंने एक चीज खुद से मानी है और वो ये है कि स्टेप थ्री यानी कि यूपीआई आपकी बैंकिंग डिटेल्स बैंक के पास तब तक लेके नहीं जाता जब तक आप यूपीआई पिन नहीं डालते, क्योंकि ऑब्वियसली बात है पिन डालेंगे तभी तो पैसे कटेंगे, तभी इंस्ट्रक्शन लेके जाने का फायदा है। अब वैसे तो मैं 99% श्योर हूं कि ऐसे ही होता होगा, बट ये कहीं भी लिखा हुआ मुझे मिला नहीं। अब ये तो थी वर्किंग कि आखिर यूपीआई का मैकेनिज्म काम कैसे करता है, लेकिन अगर आपने नोटिस कराओ तो आजकल इंटरनेशनली यूपीआई को काफी रिकॉग्निशन मिल रही है, पर इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम तो बहुत अच्छे हैं, उन्हें आखिर यूपीआई की जरूरत क्या है? काम तो चल ही रहा है ना उनका। इस चीज पे बात करेंगे, पर उससे पहले अ वर्ड फ्रॉम आवर स्पॉन्सर। एज अ क्रिएटर बहुत से काम ऐसे होते हैं जो हम सोचते हैं कि जल्दी हो जाए, बट ट्रेडिशनल एडिटिंग सॉफ्टवेयर सबके बस की बात नहीं होती, इसलिए आप वंडरशेयर यूनिकन्वर्टर को यूज कर सकते हो। इसके दो मेन हाइलाइटेड फीचर है। पहला, इसका AI बैकग्राउंड रिमूवर। इसका एडवांटेज ये है कि इसमें आप बहुत सारी इमेजेस में से एक साथ बिना क्वालिटी लूज करे बैकग्राउंड्स को रिमूव कर सकते हो। अगर कॉम्प्लेक्स इमेजेस है तो आप सेटिंग्स को मैन्युअली एडजस्ट कर सकते हो और बाद में आप बैकग्राउंड्स को चेंज भी कर सकते हो। दूसरा फीचर है ऑटो क्रॉप। ये काम आएगा उनके जो अपने YouTube कंटेंट को क्रॉप करके Instagram रील्स पे पोस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि ये फ्रेम्स को ऑटो ट्रैक करके आपके मेन सब्जेक्ट को सेंटर में रखता है ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स मिस ना हो। इसमें भी आपको मैनुअल कंट्रोल्स मिलते हैं जिससे कि आप फ्रेम को एडजस्ट कर सकते हो, और ये ऑलमोस्ट हर मेजर वीडियो फॉर्मेट को सपोर्ट करता है। तो UniConverter का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक कर सकते हैं। अभी हमने ट्रांजेक्शन का फ्लो देखा था, पर अगर आपने नोटिस करा हो तो यूपीआई को इंटरनेशनली काफी रिकॉग्निशन मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल, सिंगापुर, भूटान, मलेशिया, यूएई, नेपाल, फ्रांस, यूके, हांगकांग, जापान, ताइवान, कुछ यूरोपियन कंट्रीज, कुछ टाइम में ऑस्ट्रेलिया और रशिया भी यूपीआई को अडॉप्ट करना चाहते हैं। गूगल ने तो 2019 में ही यूएस गवर्नमेंट को कह दिया था कि हमें यूपीआई जैसा कुछ बना लेना चाहिए। तो अब अगर इतनी बड़ी बड़ी सुपर
पावर्स हमारी टेक्नोलॉजी को इतनी अटेंशन दे रही है, इसका मतलब उनकी टेक्नोलॉजी में कुछ तो दिक्कतें होंगी जिनको यूपीआई फिक्स कर सकता है। और अगर आप सच में देखना चाहते हो कि यूपीआई कितना रेवोल्यूशनरी है, उसके लिए हमें यह देखना पड़ेगा कि बाकी कंट्रीज में लोग पेमेंट्स वगैरह ये सब कैसे करते हैं, ताकि हम दोनों को कंपेयर कर सकें। हम यहाँ मेनली यूएस की बात कर लेते हैं। तो देखो, दो तरह के पेमेंट सिस्टम्स होते हैं। एक होता है पीयर टू पीयर, यानी कि आपने अपने दोस्तों को या फिर फैमिली में पैसे भेजे, और एक होता है पीयर टू मर्चेंट, यानी कि आपने किसी दुकान पे पैसे दिए। तो अब इन दोनों के लिए हम तो सिर्फ यूपीआई को यूज करते हैं। यूएस में इन दोनों कामों के लिए अलग अलग एप्स या फिर सेम ऐप भी हो सकती है। जैसे एप्पल पे है, उसमें उनका कार्ड स्टोर्ड होता है और वो एनएफसी से मशीन को स्कैन करके पे कर देते हैं। अब ये चीज होती है दुकानदार के साथ में, क्योंकि हर कोई अपनी जेब में एक स्कैनिंग मशीन लेके तो नहीं घूमता, तो पर्सनल पेमेंट्स के लिए वो लोग अलग एप्स यूज करते हैं। वैसे तो आप एप्पल पे का यूज करके दोस्तों को भी पैसे भेज सकते हो, लेकिन वो सिर्फ आईफोन टू आईफोन ही पॉसिबल है बिकॉज एप्पल। तो दोस्तों को पेमेंट्स करने के लिए वो लोग वेनमो जैसी ऐप का यूज करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि मैं तुझे यूपीआई कर दूंगा, वो कहते हैं आई विल वेनमो यू। अब उनकी पीयर टू पीयर एप्स की दो बड़ी दिक्कतें हैं। पहला तो ये कि पैसे इंस्टेंटली आपके अकाउंट में नहीं आते, 2-3 दिन के बाद आते हैं। और अगर आपको साथ के साथ पैसे अकाउंट में चाहिए तो उसके लिए 1.5% फीस लगती है, यानी कि 1,00,000 रुपए भेजे तो 1,000-2,000 तो गए। दूसरी दिक्कत यह है कि वेनमो पेमेंट्स के साथ साथ एक सोशल मीडिया ऐप भी है, तो आपने किसको पैसे दिए हैं ये सब आपके दोस्तों को भी दिखेगा, तो ये किसी की भी प्राइवेसी खराब करता है। और इस चीज को प्राइवेसी सेटिंग्स में जाके आसानी से ऑफ भी नहीं कर सकते। एक कैश ऐप भी है जिसको लोग यूज करते हैं, उसमें भी यही बड़ी दिक्कत है कि जब आपको इंस्टेंटली पैसे अकाउंट में चाहिए होते हैं तो इसके चार्जेस वेनमो से भी ज्यादा हैं, 2-3% चार्जेस लगते हैं। यानी कि उनके पास पेमेंट सिस्टम जरूर है, लेकिन उनके पेमेंट सिस्टम्स किसी कंपनी के पास हैं, और कंपनी ऑब्वियसली पैसा बनाना चाहती है तो वो इंस्टेंट ट्रांसफर्स के लिए चार्जेस लगाती हैं। और उनके लिए ये चीज बड़े ही अलग लेवल की है, क्योंकि उन्होंने चार्जेस के साथ जीना सीख लिया है। अब अगर आज हमारी यूपीआई एप्स में चार्जेस लगते तो हम भी तो जीना सीख ही लेते। अब उन्होंने क्योंकि अभी तक यूपीआई को देखा नहीं है, तो उनके लिए उनके पेमेंट सिस्टम्स बढ़िया ही है। अगर हमारे पास यूपीआई ना होता तो हम भी तो यही कहते हैं कि यार उनके पेमेंट सिस्टम्स तो बहुत बड़े हैं। तो उनके सिस्टम में ये बेसिक कमियां हैं जिनको यूपीआई फिक्स कर सकता है, और भी बहुत सारी होंगी लेकिन ये मेन है। और इसीलिए बाकी कंट्रीज यूपीआई को इतना ज्यादा रिकॉग्नाइज कर रही हैं, क्योंकि ये है ही ऐसी चीज। और एनपीसीआई यही नहीं रुका, वो यूपीआई में फर्दर इंप्रूवमेंट्स भी कर रहे हैं। सबसे पहली चीज है यूपीआई लाइट। आप जब भी एक यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हो तो बैंक के सर्वर पे लोड बढ़ता है, और ये देखा गया है कि 50% से ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन बहुत ही छोटी अमाउंट की होती है, यानी कि लगभग 2000 से कम की। तो छोटी पेमेंट्स को अगर हम बैंक से राउट ना करके डायरेक्ट फोन से कर दें तो बैंक के सर्वर से लोड बहुत कम हो जाएगा। तो यूपीआई लाइट का यही काम है। आपके भीम ऐप में एक यूपीआई लाइट का ऑप्शन होता है, जो कि एक ऑन डिवाइस वॉलेट है। अब ऑन डिवाइस वॉलेट का मतलब जो मुझे समझ आता है वो ये है कि ये पैसे आपके फोन में ही कहीं ना कहीं स्टोर्ड है, ये ऑनलाइन कहीं नहीं है, क्योंकि तभी सेंस बनेगी। बिकॉज अगर पैसे ऑनलाइन ही पड़े हैं तो बैंक के सर्वर से लोड हटके किसी और सर्वर पे पहुंच जाएगा, तो फिर फायदा क्या हुआ। तो इसमें आप मैक्सिमम 2,000 रुपए रख सकते हो, और एक सिंगल ट्रांजैक्शन इसमें मैक्सिमम 200 रुपए की हो सकती है। तो ये एक तरह का डिजिटल कैश है जो आपकी जेब में ही है लेकिन फोन में स्टोर्ड है। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि यूपीआई लाइट के ट्रांजैक्शंस ऑफलाइन होती हैं क्योंकि एक ऑन डिवाइस वॉलेट है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अगर आप ऑफलाइन हो जाते हो तो भीम ऐप खुलती तक नहीं, पेमेंट तो दूर की बात है। इसको बाद में ऑफलाइन कर दिया जाएगा, अभी के लिए नहीं है। पर अगर आपको ऑफलाइन यूपीआई पेमेंट्स करनी है तो उसके अलग तरीके बना रखे हैं। जो सब लोग रिसेंटली रील्स नहीं बना रहे थे, *99# डायल करो आप ऑफलाइन पेमेंट कर पाओगे, अब वो मेरे जियो पे तो काम नहीं करता, बट मैंने उसको काम करते देखा है। और ये फीचर बनाया इसलिए गया ताकि जिनके पास फीचर फोन्स हैं वो भी डिजिटल पेमेंट्स का यूज कर सके। बट इसमें मेरे को एक छोटा सा डाउट ये है कि जिनके भी पास वो छोटे वाले फोन्स हैं, क्या वो डिजिटल पेमेंट्स को अडॉप्ट कर पाएंगे? क्योंकि जिनके भी पास ये छोटे वाले फोन्स हैं वो जनरली थोड़े कम एजुकेटेड होते हैं, तो उन्हें डर लगता है कि अकाउंट से पैसे कट ना जाए या फिर पूरा अकाउंट खाली ना हो जाए। तो उस डर में वो कहेंगे कि कौन झंझट लेगा, ये डायल करो वो डायल करो, इससे बढ़िया मैं कैश ही यूज कर लेता हूँ। विलेजेस में तो देखो जनरली ऐसा ही होता है। तो ये चीज देखने वाली थी कि गवर्नमेंट उनको कैसे कन्विंस करेगी, बट उन्होंने कन्विंस कर लिया। और उन्हें कन्विंस करने के लिए गवर्नमेंट ने निकाला यूपीआई 123 पे। इसमें 3-4 तरीकों से ऑफलाइन पेमेंट हो सकती है। एक होगा मिस्ड कॉल करके, एक होगा एक नंबर पे फोन करके, एक होगा एक फीचर फोन की ऐप
ऐप के थ्रू, और एक लास्ट होगा साउंड बेस्ड सिस्टम। ज्यादा इनकी डिटेल्स में नहीं जाएंगे, बट इससे आप देख सकते हो कि गवर्नमेंट कितनी ज्यादा कोशिश कर रही है कि लोग डिजिटल पेमेंट्स को यूज करना सीखें। एक चीज और आने वाली है जो बहुत ही ज्यादा रेवोल्यूशनरी है, वो है UPI प्लस क्रेडिट कार्ड्स। आप UPI पेमेंट्स कर पाएंगे क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू। अब इस चीज के बहुत फायदे हैं। एक तो यही हो गया कि क्रेडिट कार्ड पे मिलने वाले रिवॉर्ड्स बढ़ जाएंगे, क्योंकि ज्यादा पेमेंट्स होंगी तो रिवॉर्ड्स भी ज्यादा मिलेंगे। अभी के लिए ये चीज कुछ रुपए कार्ड्स में चल रही है, लेकिन धीरे धीरे ये बाकी कार्ड्स में भी रोल आउट हो जाएगा। एक फीचर थोड़े टाइम पहले ही आया था कि आप नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन को UPI के थ्रू रिन्यू कर पाओगे। ऑटो पे अब UPI से पॉसिबल है। पहले इस चीज के लिए आपको मास्टर कार्ड या फिर वीजा के क्रेडिट कार्ड्स होना जरूरी थे। तो किसी भी OTT का सब्सक्रिप्शन अब रिन्यू होता रहता है ऑटोमेटिकली आपके UPI से। और एप्पल ने तो कार्ड्स के ऑप्शन भी हटा दिए हैं कि अगर आपको फंड्स ऐड करने हैं तो दो ऑप्शन है, UPI और नेट बैंकिंग। बट इन सभी चीजों की या ओवरऑल डिजिटल पेमेंट्स का भी एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है, और वो एग्जैक्ट सेम साइड इफेक्ट है जो क्रेडिट कार्ड्स आपको देते हैं, कि डिजिटल पेमेंट्स होने की वजह से आप खर्चा ज्यादा करते हो। क्योंकि पेमेंट करना अब इतना सिंपल हो गया है कि लोग अब सेविंग्स नहीं कर पा रहे। अगर हम आज भी कैश पे चल रहे होते तो एटलीस्ट पैसे तो हम ज्यादा सेव कर रहे होते। लेकिन अब हर टेक्नोलॉजी का कुछ ना कुछ डाउनसाइड तो होता ही है, और UPI का यही है। क्योंकि क्या है ना, जब जेब से 500 का नोट निकलता है ना, तो पता लगता है कि वॉलेट से कुछ निकला है। डिजिटल पेमेंट्स में हमारा दिमाग उस चीज को एक नंबर की तरह देखता है, तो इतना ज्यादा फील नहीं होता। अब ये टेक प्लस फाइनेंस वीडियो बनाने का सिर्फ एक मोटिव था कि मैं हमेशा आपको बाहर की टेक्नोलॉजी के बारे में बताता रहता हूं। हम अलग अलग कंपनीज की साइकोलॉजी को भी डिकोड करते हैं, लेकिन हमारे खुद की कंट्री में एक इतनी रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है, तो मुझे लगा उसका टेक एस्पेक्ट भी आपको पता होना चाहिए कि वो काम कैसे करती है। बाकी जियोपॉलिटिक्स की जिम्मेदारी थिंक स्कूल ही संभाले तो ज्यादा बेहतर होगा। एक ऐसी सिमिलर केस स्टडी हमने करी थी कि फोन्स महंगे क्यों हो रहे हैं, वो वीडियो ये रहा। तो ठीक है फिर, दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई एम दिवांशु एंड आई एम ऑन लीव टिल द नेक्स्ट वन। बाय बाय।